एमट इस गड्ढे से बाहर आता है और भागते हुए आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे थे। तभी हम देख पाते हैं कि एक भयानक सा क्रिएचर सभी लोगों को एक एक करके मारने लग जाता है। तभी एमट भागकर इस बच्चे को उठाकर अपने साथ एक घर के अंदर चले जाता है, जहाँ पर वो घर का मालिक दोनों बच्चों को एक कबर्ड के अंदर छिपा देता है और फिर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। फिर उस राक्षस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए यह आदमी अपने गाड़ी के हॉर्न को बजाने लगता है, जिस वजह से वो क्रिएचर इनके गाड़ी के पीछे आ गया और वो गाड़ी के छत पर चढ़कर उसे अपने नाखूनों से फाड़ने लग गया। फिर वो क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है और उन्हें लग रहा था कि वो क्रिएचर मर गया। तभी वो वापस से उनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है और ये लोग गाड़ी को भगाते हुए अपने गैराज की तरफ आ गए और गैराज के दरवाजे को खोलकर उसके अंदर चले जाते हैं। तब इस आदमी को लगता है कि यह क्रिएचर वहाँ पर नहीं है, लेकिन एमट कहता है कि तुम मेरे साथ अंदर चलो। तभी अचानक से वो क्रिएचर आता है और इस आदमी को खींच कर बाहर लेकर उसे मार देता है और अब ये दोनों यहाँ फंस गए हैं। आगे की कहानी के लिए कमेंट्स पर पार्ट 2 लिखिए।